हेलो फ्रेंड, मैं शिवांगी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्पाइसी सेजवान राइस की रेसिपी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे स्पाइसी सेजवान राइस, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप के लगभग राइस ले लिया है। यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिया है, इसे मैंने 7 से 8 मिनट सोक कर लिया था, उसके बाद अच्छे से वॉश कर लिया है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम इसे बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैंने सेजवान राइस बॉईल करने के लिए एक बड़े से पैन में यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, वाटर ऐड किया है इसमें। पानी हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट और लेमन जूस, जिससे हमारे राइस खिले खिले होंगे बिल्कुल। और नमक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे राइस, बिल्कुल इस तरीके से एक बार इसे घुमा लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 4 से 5 मिनट बॉयल कर लेंगे। वो राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जल्दी, जितना पुराना राइस होता है उतने जल्दी पक जाता है। तो इसे हम एक बॉयल आने के बाद चेक करेंगे। ये देखिए राइस एक बार हम चेक कर लेंगे, 3 से 4 मिनट हो गया है, एक बार इसे हम चेक कर लेंगे। एक तो तरीका है, आप हाथ से प्रेस करके ऐसे चेक कर सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से, और दूसरा तो आप खा के चेक कर सकते हैं कि हुआ है या नहीं। ये देखिए राइस हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया है, इसे हमने चेक कर लिया। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसे स्ट्रेन कर लेंगे, यानी कि छान लेंगे। और एक प्लेट में राइस हमने स्ट्रेन कर लिया है, देखिए हम राइस हमारा कितना खिला खिला सा बना हुआ है। अब इसे हम एक साइड काम करके हमने पैन रख लिया है, जिसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल, कुकिंग ऑयल यहाँ पर मैंने नॉर्मली ऐड किया है, जिसमें हम ऐड कर देंगे अनियन। अनियन ऐड करने के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बीन्स एंड कैरेट, इसे हमें 60% ही भूनना है क्योंकि हमें सेजवान राइस में क्रंचीनेस चाहिए वेजीज का। और लास्ट हम इसमें ऐड कर देंगे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, साथ ही सारे वेजीज को हम अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। ये देखिए वेजिटेबल हमारे हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट यानी कि नमक। सॉल्ट ऐड करने के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सेजवान सॉस, 2 बड़े चम्मच सेजवान ऐड करने के बाद सॉस के साथ इसे मिक्स करते हुए भून लेंगे 2 से 3 मिनट और। ये देखिए सॉसेस के साथ अच्छे से मिक्स होके पक चुका है। अब इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे राइस जो हमने ठंडा होने के लिए रखा था। देख सकते हैं आप कितना खिला खिला सा राइस है। ये देखिए राइस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से वेजीज और सॉस के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे। देखिए सॉस को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है राइस के साथ, और फ्लेम को खोल लेंगे हम हाई और इसे सॉस करते हुए अच्छे से 2 मिनट के लगभग हाई फ्लेम पे इसे भून लेंगे, ताकि राइस के साथ वेजीज और सॉस अच्छे से मिक्स हो जाए और सारा फ्लेवर आ जाए। 2 से 3 मिनट हो गया है और हमारा सेजवान राइस रेडी हो चुका है, बहुत ही कम समय में बनने वाला और बहुत ही टेस्टी। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसे गर्मा गर्म सेजवान राइस हम सर्व करेंगे। तो रेडी है हमारा गर्मा गर्म स्पाइसी सेजवान राइस, देख सकते हैं हम बहुत ही टेस्टी बनाए और बहुत ही कम समय में। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें।